अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए पिज़्ज़ा बॉल। बहुत ही इजी रेसिपी और कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके घर पे आपके किचन में नहीं है। तो चलिए जल्दी से तैयार कर लेते हैं। यहां मैंने एक गाजर ले ली है जिसे बारीक चॉप कर लिया है, हाफ कप बंद गोभी है, एक शिमला मिर्च, एक छोटी प्याज, इन सबको मैंने चॉप कर लिया है। चीज़ हाफ कप हमने ले लिया है, आप कम डालना चाहते हैं कम डाल लीजिए। 1 टीस्पून नमक ले लिया है, 1 टीस्पून ईट्स ले लिया है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, 1/2 टीस्पून सुर्ख मिर्च, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स है, ओरिगैनो ले लिया है और थाइम 1/2 टीस्पून ले लिया है, चिकन पाउडर यहाँ पे ले लिया है। थोड़ी सी रेसिपी चेंज है लेकिन बहुत ही चटपटी बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करें। तो यहाँ हमने 1 कप मैदा ले लिया है। 1 कप मैदे में हम डाल देंगे ईट्स, नमक, काली मिर्च, सुर्ख मिर्च, कुटी हुई मिर्चें, थाइम, ओरिगैनो, चिकन पाउडर, चॉप प्याज, शिमला मिर्च, चॉप गाजर, बंद गोभी और इसमें डाल देते हैं चीज़। इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पहले आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप चिली फ्लेक्स को ज़्यादा कर सकते हैं, काली मिर्च को ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और इसे कर लेंगे मिक्स। फिर थोड़ा सा और पानी मिलाएंगे। ऐसे ऐसे सारा अच्छे से मिक्स कर लिया, हाथों से कर लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। यहाँ हमने सारा मिक्स करके रख लिया है, हाथों को हल्का सा लगा लिया है ऑयल और इसके बनाएंगे छोटे छोटे से बॉल ऐसे, और ऐसे ही हम सब ऐसे तैयार कर लेते हैं, सारे ऐसे बना लेते हैं। तो यहाँ ये सब मैंने रेडी कर लिए हैं, अब इन्हें करते हैं डीप फ्राई। जो ऑयल गर्म हो चुका है, एक एक करके इसमें डाल देते हैं। ऐसे हमने सब डाल दिए, आंच को थोड़ा सा धीमा कर देते हैं ताकि इस पर अच्छा सा कलर आ जाए। यहाँ इनकी साइड को करते हैं चेंज, यहाँ बाकी की भी साइड को चेंज कर देते हैं। इन पे दोनों साइड से बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं इन्हें निकालती हूँ, करते हैं इन्हें डिश आउट। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इन पे। करते हैं इतनी झटपट रेडी हो गए हमारे पिज़्ज़ा बॉल और उन्हीं चीज़ों से जो हमारे पास किचन में मौजूद होती हैं। तो ज़रूर बनाइएगा और मुसाइमा को दीजिए इजाज़त। जाते जाते एक बहुत ही मज़े का शेर सुनाकर जाती हूँ। गलत फहमी थी कि अपने बहुत हैं, मुड़कर देखा तो एक साया हम सफ़र निकला। तो इसके साथ ही साइमा को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।